सो और मेरे यारो, क्या हालचाल? अब यार, काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि विवेक भाई, आप अपने चैनल पे खाली गेमिंग पीसी डालते हो यार, एडिटिंग वाला पीसी भी लेके आओ। तो आज इस वाली वीडियो में जो मैं पीसी बनाने वाला हूँ, ये वाला पीसी बना रहे हैं हम, एंड ये पीसी गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग भी करवा देगा एंड फ्यूचर प्रूफ भी पीसी होने वाला है। एंड ये वाला पीसी हम बना रहे हैं हमारे ही एक यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए, जो कि है भरत भाई। ये बिहार से रहने वाले हैं। तो अगर आपको भी यार कोई इसी तरह का गेमिंग, एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग पीसी बनवाना था, तो अब आप आपका पीसी डायरेक्टली हमसे बनवा सकते हो एकदम सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो कि यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी। टेक कम्युनिटी इंडिया हमारी इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे जाके मैसेज करके, वॉइस या वीडियो कॉल करके, प्रॉपर डिस्कशन करके आप अपने लिए ऐसा ही एक बनवा सकते हो ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी। हम ऑल ओवर इंडिया सिप करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी के टाइम पे भी पायरेटेड विंडोज यूज करते हो ना, तो ये काफी ज्यादा रिस्की चीज है। एंड अभी के टाइम पे आपको यार विंडोज की कीज काफी ज्यादा चीप प्राइसेस से मिल जाती है। फ्रॉम VIP कीज आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हो, ओनली 650 रुपीज में आपको यहाँ पे OEM कीज देखने मिल जाती है। एंड साथ ही साथ में 1100 रुपए में आपको रिटेल कीज देखने मिल जाती है, जो कि यार काफी ज्यादा सस्ती प्राइस है। एंड साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करते हो, जो कि है TC350, तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से जाके परचेस कर सकते हो। अब ये वाला जो पीसी है, इसको भरत भाई यूज करने वाले हैं मेनली गेमिंग के लिए, क्योंकि यहां पे हमने जो ग्राफिक कार्ड लगाया है ना, वो मेनली गेमिंग को फोकस करते हुए लगाया है। एंड इसके ऊपर आप एडिटिंग भी कर सकते हो, एकदम टॉप नॉच लेवल की एडिटिंग नहीं होगी, बट फिर भी एडिटिंग हो जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप इसके साथ एक बढ़िया सा, मतलब थोड़ा सा रैम भी अपग्रेड कर दो ना इस वाले पीसी के साथ, तो भाई इसी पीसी के साथ रहकर आप इस वाले पीसी के ऊपर स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे। तो आप इसको बजट में आने वाला एक ऑलराउंडर गेमिंग पीसी बता सकते हो। एंड लुक्स के ऊपर भी यहाँ पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जैसा कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे यार आप लोगों को एक बढ़िया सा सुंदर सा केस देखने मिल जाता है, वो भी 4-4 ARGB फैन वाला केस है यार। तो किसी भी एंगल से इस वाले पीसी में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। एंड गेमिंग के मामले ये वाला जो पीसी है, ज्यादातर गेम्स में आपको आराम से 1080p पे अल्ट्रा सेटिंग में यार 60+ FPS निकाल के दे देगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट के चलो यार इस वाले पीसी को फटाफट से बना लेते हैं। तो गाइस, ये सारे पार्ट्स हम इस वाले पीसी में यूज करने वाले हैं, एंड काफी अच्छे खासे पार्ट्स है यार। तो फटाफट से मैं आप लोगों को इन सभी पार्ट्स के बारे में एक एक करके बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके एग्जैक्टली हम कौन से पार्ट इस वाले बिल्ड में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोसेसर के लिए यहाँ पे हम ये वाला प्रोसेसर लगा रहे हैं, जो कि है इंटेल का i5-12400F CPU, 12th जनरेशन का i5 प्रोसेसर है। अब डेडिकेटेड GPU की जरूरत है आपको डिस्प्ले लेने के लिए, एम्स एंड गेम्स को खेलने के लिए। इसके अंदर 6 कोर्स 12 थ्रेड मिल जाते हैं, एंड अभी के टाइम पे इसकी जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी कम हो गई है, सेल वेल में आपको ये काफी सस्ते मिल जाएगा। तो परचेस करना था तो जाके परचेस कर सकते हो। सील हमने खोल दी है इसकी आपके सामने, एंड इसको हम अनबॉक्स भी कर लेते हैं लगे हाथ, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, फटाफट से वीडियो बन जाए। तो प्रोसेसर के अंदर हमको यहाँ पे कुछ मैनुअल, या इसके अंदर क्या मैनुअल मिलेगा यार इंटेल का वो, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे आपको स्टॉक कूलर, एंड ये रहा हमारा CPU। तो फिलहाल हम इसको साइड पे रखेंगे। तो ग्राफिक कार्ड के लिए गाइस, ये वाला ग्राफिक कार्ड हम लगा रहे हैं, जो कि मैंने खोल लिया है MSI की तरफ से आने वाला उनका RX 6600। अब डुअल फैन एडिशन वाला ग्राफिक कार्ड है, 8GB की GDDR6 वाली VRAM देखने मिल जाती है, एंड मुझे नहीं लगता है इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत है। पीछे बैक प्लेट मिल जाता है सुंदर सा, एंड साथ ही साथ में यार MSI के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कमाल के आते हैं, फिर चाहे आप उनके बिल्ड क्वालिटी की बात कर लो, परफॉर्मेंस की बात कर लो, सब कुछ यार अच्छा है। 3 साल की वारंटी यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। एंड ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है, अगर आप इसको कंपेयर करते हो, तो ये आप लोगों को यार अराउंड, मतलब समझ लो कि 20-22 हज़ार रुपए में ये आप लोगों को RTX 3060 जितनी परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है, जो कि इनसेन है। इसके साथ कोई बिल्ड बना रहे तो हमें हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा मदरबोर्ड यूज करो जिसके अंदर आप लोगों को PCIe 4.0 का सपोर्ट मिले, जो कि हम ये वाले मदरबोर्ड लगा रहे हैं, ताकि आपको फुल परफॉर्मेंस मिले इस वाले ग्राफिक कार्ड की। एंड ये वाला जो मदरबोर्ड है, ये MSI का है, H610ME DDR4 वाला मदरबोर्ड है, विंडोज 11 कंपेटेबल है, यहाँ पे 4.0 का सपोर्ट देखने मिल जाता है। तो इसको भी हम फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं, एंड डब्बे के अंदर ये हमको आपका मदरबोर्ड देखने मिल जाएगा, एंड यहाँ पे हमको अंदर जो SATA पोर्ट, एंड यहाँ पे IO शील्ड, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे ये वाला NVMe लगाने का हमको वो स्क्रूज देखने मिल जाते हैं। तो फिलहाल हम मदरबोर्ड को भी साइड में रख देते हैं, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये रहा हमारा मदरबोर्ड, ब्लैक कलर का छुटकू सा मदरबोर्ड है, ATX माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, एंड यहाँ पे आपको 2 RAM स्लॉट, NVMe SSD का स्लॉट देखने मिल जाता है। लॉक्ड CPUs आते हैं तो इस वाले CPU के लिए, एंड अगर आपको i3 चलाना था तो उसके लिए ये वाला मदरबोर्ड मोर देन इनफ रहेगा। तो फिलहाल हम इसको भी साइड पे रख देंगे, एंड मैं आप लोगों को अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे रैम के लिए हम ये 8GB की खाली सिंगल स्टिक यूज करने वाले हैं,
XPG की रैम है। अब D30 उनकी है 3200 MHz वाली रैम है, इसको भी हम फटाफट से यार ओपन कर लेते हैं। एंड 8GB इस वाले बिल्ड के लिए देखो, गेमिंग वेमिंग करनी थी ना तो भाई 8GB से आपका काम चल जाएगा अगर आप लिमिटेड बजट में हो, बाकी 16GB आप लगा सकते हो। तो ये रही रैम, इसको भी साइड पे रख देंगे। एंड स्टोरेज के लिए यहाँ पे हम ये वाली NVMe लगा रहे हैं जो कि है किंगस्टन की NV2। 500GB की यहाँ पे आप लोगों को स्टोरेज देखने मिल जाती है, 3500 MBPS की रीड एंड राइट स्पीड देखने मिल जाती है। अब इसको भी हम फटाफट से यार ओपन कर लेते हैं। अब लगे हाथ मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि यार जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो एंड ना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो ना ही मेरा, एंड क्योंकि हमको और भी बिल्ड्स करने रहते हैं यार, उसके लिए बहुत सारे बिल्ड पेंडिंग है। तो ये रही हमारी NVMe SSD। एंड इसके बाद बचते हैं हमारा पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए गाइस ये वाला PSU हम यूज़ कर रहे हैं जो कि है एनटेक का, उनका 450 वोट का पावर सप्लाई एंड ये 80+ वाइड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट साथ आता है। कुछ यहाँ पे आप लोगों को बॉक्स देखने मिल जाता है, इसके अंदर आपको फ्लैट केबल्स देखने मिल जाते हैं एंड 3 साल की वारंटी भी देखने मिल है एनटेक की तरफ से। एंड आप लोग सोच रहे हो 450 वोट इस वाले बिल्ड के लिए मोर देन, तो भाई देखो 450 वोट यार इस वाले बिल्ड के लिए सफिशियंट है क्योंकि हमारा जो है ये ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, अराउंड 5 वोट के आसपास का इसका है पावर कंसम्पशन। तो उसके हिसाब से यार ये वाला PSU चलेगा, फ्यूचर में अपग्रेड नहीं करना हो तो नहीं कर पाओगे आप, कर पाओगे बट फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ यार। तो आप अगर अपग्रेड करना हो तो भाई 550 वोट ले लेना, अपग्रेड नहीं करना हो तो भाई 450 वोट से आपका काम चल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था इसके अंदर आपको फ्लैट केबल्स देखने मिल जाते हैं एंड ये रहा हमारा डब्बे के अंदर आपको पावर कोड एंड कुछ जिप टाइज भी देखने मिल जाती है एंड ये पेपर देखने मिल जाता है। ये रहा जिप टाइज, ये रहा पावर कोड एंड ये रहा स्क्रू। एंड एट द एंड हम जो कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो, मतलब हमने काफ़ी सारे बिल्ड्स में यूज़ किया है जो कि है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला उनका i5 510 Air। अब ये वाला जो केस है ये यार आप आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, उसका रीज़न बताता हूँ। इसमें आपको 4 ARGB पंखे देखने मिल जाते हैं आपके बजट में 4000 से 4500 रुपए में। उनको आप मदरबोर्ड में सिंक करके कंट्रोल भी कर सकते हो अगर आपके मदरबोर्ड में ARGB हेडर हो तो। फ्रंट में मेश डिज़ाइन है, एयर फ्लो वाइज अच्छा है, पीछे रियर में एक फ़ैन है एग्जॉस्ट के लिए। एंड लुक्स में भी यार मतलब 4500 रुपए में बीट नहीं कर पाओगे, अच्छा कैबिनेट है, बेसिक से सारे फीचर मिल जाते हैं। यही है कि भाई इसमें भी भाई टॉप पे अगर आप AIO लगाते हो तो आपको काफ़ी कम जगह मिलती है, अगर आप ARGB रैम में लगाने जाओगे तो दिक्कत होगी AIO टॉप पे माउंट करने में। तो ये वाला केस यूज़ करेंगे इस वाले बिल्ड में। अब हम यार बिना टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट से इस वाले बिल्ड को हम बना लेते हैं। तो एज़ यूजुअल यार हम PC बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं ये मदरबोर्ड का बॉक्स। अब सबसे पहला काम हमको करना है यानी प्रोसेसर लगाना है, उसके लिए अपने लीवर को उठा लेना है एंड ये जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक है इसको आपको निकाल लेना है। एंड उसके बाद आपको एरो की देखना है, एरो की आपको देखना है प्रोसेसर के अंदर एंड साथ ही साथ में ये जो स्टील का प्लेट है इसके ऊपर भी आपको एरो की देखना है। यहाँ पर भी आपको एरो की देखने मिल जाएगा, ये रहा एरो की साइड। तो एरो की को देख के सीधा उसी डायरेक्शन में आपको प्रोसेसर को रख देना है सिंपली। एंड आपका जो प्रोसेसर है वो लग चुका है एंड लीवर को बंद कर दो एंड दबा के प्रेस कर दो, हो गया ये काम। एंड उसके बाद हम लगा लेते हैं अपना स्टॉक कूलर जो कि आप आराम से पीछे से निकाल सकते हो, इस तरह से पीछे से निकालो ताकि आपका जो पेस्ट है वो ख़राब ना हो। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को निकाल के सिंपली आपको प्रोसेसर लगा देना है। एंड प्रोसेसर लगाना यार काफ़ी ज़्यादा आसान काम है, मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया था। रख के अपोजिट साइड के दो जो स्क्रूज हैं उनको एक ही साथ में प्रेस करो, कट करके आवाज आएगी, यानी कि आपका दो साइड का लग गया है। एंड इस सेम चीज आपको दूसरे साइड करना है जस्ट कंफर्मेशन के लिए। उसको उलट के पलट के आप पीछे की तरफ देख लो, चारों स्क्रूज बाहर आ गए हैं प्लास्टिक वाले। के बाद आपको इस वायर को एक सिंपली ऐसे फोल्ड मारना है एंड उसको लगा देना है फैन हेडर में जो कि आपको यहाँ ऊपर के साइड देखने में मिल जाएगा। तो इतना एकदम सिंपल सा काम होता है प्रोसेसर लगाने का। तो प्रोसेसर यहाँ पे हमारा लग चुका है, अब बारी आती है रैम की। तो रैम को हम फटाफट से लगा लेते हैं, रैम लगाना भी आसान है। आपको ये होल देखना है एंड इसके अंदर भी स्लॉट के अंदर भी आपको होल देखने मिल जाएगा, दोनों को मैच कर लेना है। एंड उसके बाद आपको दोनों साइड से थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देना है, कट करके आवाज़ आई, दैट मीन्स कि आपने लगा लिया है। एंड इसके बाद NVMe SSD की बारी आ गई। NVMe लगाने के लिए आपको जो स्क्रूज मिलते हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा जो कि हमने कहीं रख दिया है, उसको हमें ओपन करना है। और ये मदरबोर्ड में आपको मिल जाता है भाई, देखना घुमाना मत इसको क्योंकि एक ही मिलता है, बाद में आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे लगा लेना है एंड उसके बाद आपकी NVMe लगा के आपको स्क्रू टाइट कर देना है, बस आपका जो काम है वो हो जाएगा। वैसे आसान है यार, आसान दिखता है, आसान है भी। तो ये वाला जो पार्ट है वो हो चुका है कंप्लीट एंड फटाफट से हम कैबिनेट वाला पार्ट भी आपको दिखा देते हैं। तो गाइस केस निकालने के बाद दोनों ही पैनल को हम खोल लेंगे एंड साइड पर रख देंगे संभाल के। उसके बाद सबसे पहला काम हम यहाँ पे करने वाले हैं अपनी IO शील्ड को लगाने वाले हैं इसके अंदर, कैबिनेट के अंदर। अब कैबिनेट के अंदर लगाने के बाद जनरली यार हमें मदरबोर्ड लगा देता हूँ एंड यहाँ पे मदरबोर्ड लगाने के बाद स्क्रूज टाइट कर देता हूँ। अब ये लगाने के बाद हम हर बार क्या करते थे, अपना PSU लगा देते थे, बट इस बार हम अपना PSU नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो वायर्स है कैबिनेट वाले, उन वायर्स को हम सबसे पहले मदरबोर्ड में लगा देंगे
करेंगे ताकि यार ज्यादा मेसी नहीं रहे आराम से। पीएसयू में काफी सारे ऑलरेडी वायर्स आपको देखने मिलते हैं, तो पीएसयू अगर हम पहले लगा देते हैं तो यार कैबिनेट एंड पीएसयू के वायर दोनों ही मिक्स हो जाते हैं एंड उसके बाद यार केबल मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। आसानी से अगर आपको केबल मैनेजमेंट करना था तो सबसे पहले यार आप कैबिनेट वाले वायर्स को अपने मदरबोर्ड में लगा दो एंड उसके बाद यार पीएसयू लगाओ एंड उसके बाद पीएसयू लगाने के बाद यहाँ पे हम जो अपना पीएसयू है उसको लगाने के बाद यहाँ पे हम बाकी के वायर्स आप मदरबोर्ड में लगाएंगे तो यार ज्यादा मेसी नहीं रहेगा, आराम से केबल मैनेजमेंट आप कर पाओगे। एंड सारे वायर्स लगाने के बाद यहाँ पे हम पीछे का जो पैनल है वहाँ पे केबल मैनेजमेंट अच्छे से कर लेंगे जिप टाइज की मदद से, जो कि यार हमको केस में एंड पीएसयू के साथ देखने मिल जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम पीछे वाला पैनल आराम से बंद कर देंगे। अगर आप अच्छा केबल मैनेजमेंट कर लोगे तो आपका जो पैनल है वो आसानी से बंद हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट में अपना ग्राफिक कार्ड लगा देंगे एंड मेक श्योर कि यार ग्राफिक कार्ड का जो पीसीआई केबल है उसको आप बाहर की तरफ निकाल दो पीछे वाला पैनल बंद करने से पहले, ताकि एट दी एंड ग्राफिक लगाने के टाइम यार आपको पीछे का पैनल ना खोलना पड़े। एंड यहाँ पे हमने ग्राफिक कार्ड लगा दिया है एंड उसको पावर भी दे दिया है एंड अब बारी आती है पीसी को ऑन कर लेने की। तो फाइनली पावर केबल हम लगा के अपना पीसी ऑन कर लेते हैं, टेंटेन ऑन हो गया हमारा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला पीसी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना एंड ऑर्डर करना हो तो यार इंस्टा आईडी की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन, साथ ही साथ में फर्स्ट पिन कमेंट में वहां से जाके मैसेज करके ऑर्डर कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना। बाकी मैं भी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।